हेलो एंड वेलकम टू मिस रेसिपीज। मैं हूं मीनाक्षी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन स्टिक की रेसिपी। ये बहुत ही आसान है और अगर आप घर पे पार्टी रख रहे हैं तो आप इसे इजीली बना सकते हैं स्टार्टर के रूप में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चिकन स्टिक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम चिकन लिया है, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिए हैं और अच्छे से वॉश कर लिए हैं। वॉश करने के बाद पानी को अच्छे से निकाल दें। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है लगभग 1.5 चम्मच अरारोट। आप यहाँ पे अंडे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर अरारोट का यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी 1/4 छोटा चम्मच, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डालूँगी लाल मिर्च पाउडर लगभग 1/2 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डालूँगी गरम मसाला 1/4 छोटा चम्मच, अब इसमें हम डालेंगे चिकन मसाला 1/4 छोटा चम्मच, अब यहाँ पे मैंने लिया है सोया सॉस, तो लगभग 2 छोटा चम्मच सोया सॉस का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी और इसमें हम डालेंगे अब विनेगर यानी कि सिरका। जो सिंथेटिक विनेगर आती है हम वही यूज़ करेंगे। ये मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगा, बहुत ही कम पैसे मिल जाता है, तो इसे भी मैंने डाला है 1 चम्मच। अब इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिला दें। अब इसमें मैं थोड़ा सा कलर डाल रही हूँ, फूड कलर जो आता है। आप चाहें तो यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं कलर के लिए। और अब इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद हम इसे रख देंगे लगभग 20 मिनट के लिए, ताकि जो भी मसाले हैं अच्छे से चिकन के साथ मिक्स हो सके और जो हमारा चिकन स्टिक है वो बहुत ही अच्छा बने। लास्ट में मैं यहाँ पे भूल गई थी, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर से इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से तैयार हो चुका है। अब इसे आप ढकते हुए छोड़ दें 20 मिनट में, आप और कोई काम कर सकते हैं, उसके बाद हम इसे तैयार करेंगे। तो 20 मिनट के बाद इसे हमने खोल के एक बार फिर से चला लिया है। अब हम लेंगे स्क्यूवर यानी कि जिसमें हम चिकन टिक्का या पनीर टिक्का बनाते हैं, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल जो टूथपिक आती है उसके साथ भी आप इसे बना सकते हैं। और एक एक पीस को आप उठाते हुए इस तरह से स्क्यूवर में लगाते चलें। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो फटाफट हम इसे अरेंज कर लेंगे। और अब हम गरम करेंगे एक पैन, कोई भी आप पैन या तवा ले सकते हैं। आप इसे माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, लेकिन फटाफट आप पैन में तैयार कर सकते हैं। पैन में डालेंगे 3 से 4 चम्मच तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने दें। और जैसे ही तेल गर्म हो जाए आप इसमें जो चिकन का स्क्यूअर में लगा के हमने तैयार किया है आप उसे इसमें डाल दें। तो वन बाई वन हम इसे इस तरह से शैलो फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर शैलो फ्राई किया है।
तो इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा, मैक्सिमम 7 से 8 मिनट में तैयार हो जाता है। और ध्यान रखें कि मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाएं, क्योंकि ये धीरे धीरे पकते हुए अच्छा बनता है। और बीच बीच में आप इसे चलाते रहें, या चलाते रहें मतलब कि आप हर तरफ से हर साइड से आपको कुक करना पड़ेगा इसे। तो आप चिमटे के सहारे से इसे पलटते रहें हर 2 से 2.5 मिनट पर। तो इस तरह से ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आप इसे सर्व कर सकते हैं अनियन और हरी चटनी के साथ। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बनाएं, बच्चों को भी पसंद आता है। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।